हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ। तो आज डे वन था आईपीएल ऑक्शन 2025 का, मेगा ऑक्शन था ये। तो इसके अंदर तीन प्लेयर्स है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली है उनको बिडिंग में, तो उनके नाम मैं बताने वाला हूँ। तो उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो थर्ड नंबर पे है वेंकटेश अय्यर, तो उसको केकेआर ने वापस खरीद लिया है। 2024 सीजन में भी वो केकेआर में ही था और इस बार वो ऑक्शन लिस्ट में था। तो उसके अंदर उसको 23.75 करोड़ में केकेआर ने वापस से खरीद लिया है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर था केकेआर का और ये केकेआर मेरी फेवरेट टीम है, तो ये बार भी वो परफॉर्म करेगा। अब सेकेंड नंबर पे आते हैं श्रेयस अय्यर, ये भी केकेआर का ही प्लेयर था, लेकिन इस बार केकेआर उसको वापस नहीं ले सकी क्योंकि ले बीड तो किया था केकेआर ने, लेकिन उसके पीछे और भी लोग थे। तो केकेआर ने कुछ हद तक बीड लगाई थी, लेकिन शायद केकेआर के प्लान में कुछ और था, इसलिए केकेआर ने एक मोमेंट पे आके बीड को स्टॉप कर दिया और श्रेयस अय्यर को आगे जाने दिया। तो लास्ट में आके वो बीड पंजाब किंग्स जीत जाती है 26.75 करोड़ में। तो ये सेकेंड हाइस्ट बीड है आईपीएल 2025 का। अब बात करते हैं फर्स्ट नंबर की, फर्स्ट पे आते हैं ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत को लिया है लखनऊ सुपर जायंट्स ने, और जो फर्स्ट नंबर पे जो पूरे हिस्ट्री में आईपीएल 2025 तक के ऑक्शन में पूरे हिस्ट्री में सबसे महंगे प्लेयर रहे, जिसको लिया है 27 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स ने। तो मोस्ट हाईएस्ट वैल्यू प्लेयर है ऋषभ पंत अभी तक का पूरे आईपीएल हिस्ट्री में। तो ऑक्शन से रिलेटेड मैंने कुछ और भी वीडियोस बनाए, तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे प्रोफाइल में देख सकते हैं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो।